मामला बनियाखेड़ा थाना के गांव का है, जहां दिल्ली से बारात आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जयमाला के समय कन्या पक्ष ने वीडियोग्राफर के बारे में मालूम किया। दूल्हे ने वीडियोग्राफर को अपने बजट से बाहर बताते हुए वीडियोग्राफर को ना लाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इस बीच बात बढ़ गई और दूल्हे ने स्टेज पर ही लात मारकर दुल्हन को पटक दिया, अपनी पगड़ी भी उतार कर फेंक दी। आरोप के अनुसार इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के मामा के बीच जमकर पिटाई हुई। जयमाला स्टेज अखाड़ा बन गया। बताया गया कि वर और कन्या पक्ष के बीच रास्ते में फिर बेल्टें चली। झगड़े के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। दूल्हा थाने में मौजूद है तो दुल्हन अपने घर पर है। ऐसा था, फोटोग्राफर के उस पर झगड़ा हुआ है, मैं वहीं मौजूद था। और कुछ थोड़ा सा हल्का सबूत मेरे पास भी है, मेरा पूरी वीडियो नहीं है, आधी है। जो बहस चली थी सिर्फ उतनी है फोटोग्राफर के, तुम फोटो लेके फोटो वीडियो वाला क्यों नहीं लेके आया? वीडियो वाला उसका नहीं बन रहा, हमारा बचत नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो खुद काम करता, मेरा भाई है, वो खुद काम करता सीजन का। और दूसरा उसके पास कोई लड़का नहीं था, सीजन बहुत तगड़ा था। और वो बोले जो इसका साला है मेरे भाई का, कि तुम फोटो वीडियो वाला कहाँ है तुम्हारा? उसने साहब बोला कि मेरे पास बचत नहीं था, ये है वो है। तो एक उनका बड़ा भाई है आकाश नाम का, उसने बोला कि तू क्यों बोल रहा? पहले उन दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हुई है, आपस में लड़ाई होती रही है। तो इतनी देर में इसके मामा जी ये थे, वो आए स्टेज पर सीधे चढ़े, मेरे भाई के इन्होंने थप्पड़ मार दिया सीधा आते ही। थप्पड़ मारते के साथ ही वो लड़की गई बेहोश। अगर वो लड़की जैसे तैसे उठ गई, अगर वो लड़की नहीं होती, अगर मेरे लड़की नहीं होती, मेरे भाई के ऊपर नहीं गिरती, तो आज मेरा भाई मर जाता कल। फिर जैसे कि हम वहाँ से निकले, हम यहाँ थाने के लिए आ रहे थे, तो इनके मामा जी पहले यहाँ थप्पड़ मारते के साथ ही पहले यहाँ आ चुके थे, यहाँ कंप्लेंट डालने के लिए। हम भी आ रहे थे बाद में उनके पीछे पास, तो हम पैदल थे, वो गाड़ी से थे। इतनी देर में यहाँ आके जा रहे थे वापस, हम यहाँ वहाँ से यहाँ आ रहे थे। तो जैसे ही आ रहे थे इधर की तरफ थाने की तरफ, तो हम अपने सीधे आ रहे थे, वो भी सीधे आ रहे, उन्होंने सामने से बिल्कुल ओवरटेक करके हमारे ऊपर एक्सीडेंट करने की कोशिश करी गई थी। अगर हम गड्ढे में नहीं गिरते ना, तो हमारे में से एक आदमी किसी को बहुत चोट आ जाती है या ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में चला रही है। क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? घायल नहीं हुआ, मगर बच गए, गड्ढे में गिर गए थे खेतों के अंदर। किसी को कोई चोट आई मारपीट के? नहीं, मारपीट में गुम चोट आई है और कुछ नहीं आया है। और बाकी दूसरी बात यह है, उन्होंने हमें फंसाने के लिए कोशिश करी गई है। अब उसमें उन्होंने प्लान बनाया होगा तीन चार जने मिल के, डॉक्टर साहब हम तुम्हें मारते हैं, तुम जाके लड़के वाले को फंसाओ ऐसे करके, और तुम्हें खुली खुली चोट देते हैं। ऐसे उनको चोट लगी, वैसे हमारे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से आया। जो एक बारात को लेकर के विवाद हुआ है, क्या मामला है ये? ये हमारी शादी जो है 2021 में जून 21 तारीख को, ठीक है, जून में सामूहिक विवाह हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब लड़की वाले कहने लग गए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, उसमें शादी करेंगे हम। मैम ने कहा ठीक है, लेकिन आप विदाई उसी टाइम पे कर देना। लड़की वालों ने हमारी बात नहीं मानी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम विदाई अपने घर से करेंगे 2 महीने बाद। 2 महीने से 3 महीने हो गए, 3 से 4। अब फिर हमने शादी की डेट लगवाई, अब ये लड़की को जो है भेज नहीं रहे हैं। लड़की का जो मामा था, उसने मेरे साथ खूब मार पिटाई करी है, स्टेज पे आके मेरे पे थप्पड़ मारे हैं। अब ये बताऊँ, मैं अपनी शादी खुद तो बिगाड़ना नहीं चाहूँगा, है ना। कोई चाहेगा मेरी शादी बिगड़े, या दूल्हा अपनी शादी कभी नहीं बिगड़वाना चाहता है, या दूल्हा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा कभी भी। तो लड़की के मामा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मार पिटाई करी है, हम थाने में हैं। अब लड़की कह रही है मेरे को जाना नहीं है। विवाद किस बात को लेकर हुआ? विवाद फोटोग्राफी के वजह से हुआ था। अब मेरा जैसा बजट होगा, मैं वैसे ही फोटोग्राफर को बुलाऊंगा। अगर मेरे को फ़ोटो बनवानी है तो फोटोग्राफर को बुलवाऊंगा, अगर वीडियो बनवानी है तो वीडियोग्राफर को बुलवाऊंगा। अब मैंने एक चीज़ चूज़ कर लिया, मैंने फोटोग्राफर को बुलवाया। लड़की वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वीडियोग्राफर क्यों नहीं है? ये बात तो मेरे पास नहीं है बजट, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक फोटोग्राफर से ही काम चला रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं खुद एक फ़ोटोग्राफर हूँ। 12 तारीख का साया इतना हैवी है, बहुत डेट हैवी थी, तो सभी लड़के जो है कामों पर गए हुए थे अपने अपने। और इतने में आके लड़की के मामा ने मेरे स्टेज पर आके थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारने के बाद जो है लड़की बेहोश हो गई थी, वहीं गिर गई थी। मैं लड़की को संभाल रहा था, इतने में तो लड़की के भाई वगैरह जो है सब पीछे से आके ना मेरे लात घुसे बजा रहे।
अच्छा, ये बारात कहाँ से कहाँ को आई थी? दिल्ली से ये आई थी अपने बनिया खेल जो थाना है उसके पास, वो है बड़ियन गांव है एक, वहाँ से वहाँ पे आई। जो मारने वाले थे वो कौन युवक थे, कहाँ के थे? वो जो थे मामा जो थे वो थे चमरपुरा के चंदोसी के पास, और वो सगे मामा थे उनके, और वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। वो जो है मुरादाबाद में कोई कंपाउंडर हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब पे उछल रहे हैं कि मैं यूँ कह रहे थे मेरे से रात को कि मैं तुझे फंसवा दूंगा पूरा पूरा। किस विभाग में? मतलब हाथ छोड़ने के, बदतमीजी करने के। नाम क्या है? राहुल नाम है उनका।